गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ मैथ्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स. चैप्टर 4 इज डिवीजन ऑफ नंबर्स. इन दिस चैप्टर नाउ वी विल लर्न अबाउट द एस्टिमेशन और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स. So first of all, I'll explain you how to estimate the numbers. For estimation, we take an example. There are 28 students in a class. Suppose 28 students are there in a class, okay? And the teacher wants to give them one chocolate each. Means her bachche ko ek chocolate dena chahti hai uski teacher. One chocolate she wants to give to each child. Chocolates come in packets, where one packet has 5 chocolates. One packet of chocolates contains how many chocolates? 5 chocolates. Yeah, here you can write contains 5 चॉकलेट्स. एक चॉकलेट के पैकेट के अंदर कितनी चॉकलेट्स है? देयर आर 5 चॉकलेट्स इन वन पैकेट. सो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ चॉकलेट शुड द टीचर बाय? तो 28 स्टूडेंट्स में अगर टीचर को डिवाइड करना है चॉकलेट, और एक चॉकलेट देनी है हर बच्चे को, पैकेट कितने हैं? पैकेट्स नहीं निकालने हैं आपको, और 5 चॉकलेट्स हैं एक पैकेट के अंदर. तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ चॉकलेट शी हैज़ टू बाय? यू मीन आपको पैकेट्स का नंबर फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच पैक. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? नंबर of students divided by number of chocolates in each packet. Number of chocolates in each pack or packet. Okay, write the number of packets. कितने packets हैं ये आपको find करना है. तो ये आपको plan छोड़ना है इस space पे. Number of students, how many students are there in a class? 28 students are there in a class. And number of chocolates in one pack, kitne chocolates hai? One packet of chocolate contains 5 chocolates, okay? So yahan kya karna hai? One packet of chocolate contains 5 chocolates, so yahan par likhoge aap 5. Now you have to divide the number by 5. 28 को आपको 5 के साथ डिवाइड करना है. इफ वी हैव टू एस्टिमेट द आंसर, देन वी शुड चेंज 28 टू कंपैटिबल नंबर. क्या करना है आपको? दिस मीन्स दैट वी शुड चेक द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो अगर आपको इसको एस्टिमेट करना है, तो आपको जो 28 है उसको आपको राउंड फिगर में लाना होगा, या फिर 5 के जो मल्टीपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आपको एस्टिमेट करना होगा. तो 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं आपको? 5 वन से 5 होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. बहुत सारे होते हैं इसके अलावा, बिकॉज मल्टीपल्स कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल. बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. मल्टीपल्स फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल नंबर होता है, मल्टीपल्स अनकाउंटेबल नंबर होता है. तो 28 लाइज बिटवीन 25 एंड 30, एंड विच इज़ क्लोजर टू दी 28? विच नंबर इज़ क्लोजर, मोर क्लोजर? 25 और 30 के बीच में जब 28 आता है, तो 28 विल लाई बिटवीन 25 एंड 30, एंड इट विल बी मोर क्लोजर टू 30. यानी कि 28 को आप किसके राउंड ऑफ कर लोगे? 30 के. ओके, नाउ आफ्टर एस्टिमेटिंग द नंबर 28, वी कैन डिवाइड द नंबर बाय 5. एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है हमारी? 30. एस्टिमेट किया आपने 28 को, तो वो किसके राउंड उसमें नियरेस्ट है, ज़्यादा क्लोज़र है वो 30 के. अब उसके बाद आप 30 को इजीली आप डिवाइड कर सकते हो. कितना आ जाएगा?
5, 6 are 30. So 6 is the answer. So she has to buy 6 packets of chocolate. The teacher should buy 6 packets of chocolate. You can solve the estimate value of the numbers like this only. Now come to the exercise. Now open page number 71 of your maths book. Here exercise 4C is given on page number 71. I have written question number 1 here. Estimate the value of the following. Question number 1 ka A hai. 72 is divided by 5. Now estimate the value of 72. 72 ko jab hum estimate karte hain, to 5 ke multiples ke according karte hain usko. To multiples of 5 kaun se hain? 5, 10, 15, 72. 5 के पूरे मल्टीपल्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्यूम कर सकते हो. 75 विल बी द मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल से जो नेक्स्ट नंबर है या तो 70 डिविजिबल है या फिर 75 डिविजिबल होगा. 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो 75 इज़ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 72. 5 का नियरेस्ट मल्टीपल है इसमें 75, तो 75 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 5 से डिवाइड करके आंसर लेते हैं. 5 1 5 2 5 5 25, दिस इज़ द आंसर. 15 इज़ द आंसर. सो 75 इज़ डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 15, और इट गिव्स 15 एज द क्वेश्चन. नाउ क्लीन दिस रफ वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. बी क्वेश्चन लेते हैं इसका. 49 इज डिवाइडेड बाय 6. नाउ अज्यूम द मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 के मल्टीपल्स में 49 का नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है? 48. 6 8 ज़ा 48. तो 49 को हम उसके नियरेस्ट मल्टीपल 49 का क्या ले लेंगे हम? 48. नियरेस्ट नंबर क्या है इसका? क्लोजर 48, जो कि 48 6 का मल्टीपल है. तो हम 6 के मल्टीपल्स देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं. 49 का नियरेस्ट मल्टीपल इज 48. नाउ डिवाइड नंबर 48 बाय 6. 6 8 ज़ा 48. यू कैन राइट द नंबर डायरेक्टली. सो 48 इज डिवाइडेड बाय 6 बाय 8 टाइम्स. व्हेन वी डिवाइड 48 बाय 6 इट गिव्स 8 एज अ क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. 93 इज डिवाइडेड बाय 4. 4 से 93 को हम डिवाइड करके चेक करते हैं. यस, सो द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 93 को अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो 4 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग, तो 92 आ जाता है इधर, क्योंकि 92 4 का मल्टीपल है जो कि इजीली डिविजिबल है बाय 4. नाउ डिवाइड इट. 92 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4 4 2 8, 1 विल बी द रिमाइंडर. 2 4 3 12. सो 23 टाइम्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 92 विल बी डिवाइडेड बाय 4. तो 92 इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 93 इज डिवाइडेड बाय 4 will give 23. Now clean this rough work. Okay, so this is question number C. Now next question is question number D. Now write next question. Question number D is 298 is divided by 3. 3 के मल्टीपल्स चेक करेंगे, 298 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है. तो आप चेक कैसे करते हो? चेक करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसमें इजीली आप मल्टीपल फाइंड नहीं कर पाओगे, तो फर्स्ट यू विल ऐड ऑल द डिजिट्स 2, 9 एंड 8. 298 की डिजिट्स को काउंट करो, सम आएगा कितना? 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस 19 वी गेट 18, बट 18 इज़ डिविजिबल बाय 3. तो 18 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, मीन्स आपको ये जो 298 है इसमें से 1 माइनस करना है, तो यू विल गेट द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 298. 3 का मल्टीपल मिल जाएगा आपको जो कि नियर बाई होगा
298 के, तो 297 इफ वी टेक डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 297 डिवाइडेड बाय 3, 3 9s are 27, रिमाइंडर विल बी 2, राइट 7 here, 3 9s are 27, 99 टाइम्स 297 इज डिविजिबल बाय 3, सो 99 इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 99, क्योंकि 3 से जब आप 297 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 297 3 का मल्टीपल है जो कि 98 के क्लोजर है, तो एस्टिमेट किया उसको 297 को, चेक कैसे किया था हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, इनको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी, तो ये 4 सम्स यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, नाउ रीड द वर्ड प्रॉब्लम ए, 300 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इनटू 12 ग्रुप्स, दीज टू वर्ड प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन इन द रिटन असाइनमेंट, यू कैन रीड द क्वेश्चन और यू कैन चेक द क्वेश्चन फ्रॉम दीज असाइनमेंट, ओके। 300 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इनटू 12 ग्रुप्स, कितने स्टूडेंट्स हैं 300, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 300 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कितना है 300 स्टूडेंट्स, नाउ अरेंज इनटू 12 ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स कितने हैं 12 ग्रुप्स में उनको अरेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस सम, और जो भी आपको फाइंडिंग्स हैं जो भी आपको मिल रहा है उसमें से आप साइड करेंगे, उसके बाद उसमें करना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन वन ग्रुप, सो टोटल स्टूडेंट्स आर 300 एंड ग्रुप्स आर मेड बाय 300 स्टूडेंट्स आर 12, देयर आर 12 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नाउ यू विल फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन वन ग्रुप, सो फर्स्ट वी विल राइट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नाउ राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 300 एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर 12 ग्रुप्स, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट number of students in one group, how will you find the answer, 300 is divided by 12, by division we can find the number of student present in one group, so 300 ko agar 12 se divide karte ho, long division method aap rough mein kar sakte ho, idhar check kar sakte ho, otherwise aap direct bhi kar sakte ho, 12 is 24, 2 times 24, 24 में से 30 में से माइनस करेंगे तो 6 एंड 12 5s are 60, आंसर इज 25, ओके, सो द क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी देयर इन वन ग्रुप, देयर विल बी 25 students in one group, okay, solve this sum like this, first you will write opening statement then closing statement, so closing statement ke sath hi ye sum aapka yahan complete hota hai, next sum will be taken in the same video, now question number 2 is a total of 143 boys has to be arranged into cricket team, total boys kitne hain, so number of boys, write the statement, total number of boys, how many boys are there, 143 boys are there in total, where each team consists of 11 boys, number of boys in each team,
बॉयज़ कितने होंगे एक टीम के अंदर? 11 बॉयज़। एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीम विल बी मेड? नंबर ऑफ टीम्स आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टीम्स कैसे करोगे? 143 इज डिवाइडेड बाय 11। 143 को 11 से आप डिवाइड करोगे तो यू कैन गेट द आंसर नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स के लिए आपको निकल के आ जाएगा। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड और एनी मेथड यू कैन अप्लाई। 11 वन ज़ा 11, 3 इज़ द रिमाइंडर 33, 11 3 ज़ा 33। सो 13 इज़ द क्वेश्चन और वी कैन से 13 इज़ द आंसर। राइट द क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लीन इट एंड नाउ राइट द क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए हमेशा जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट यू विल राइट अ ओपनिंग स्टेटमेंट एंड देन क्लोजिंग स्टेटमेंट। सो नंबर ऑफ टीम्स विल बी मेड, कितनी टीम्स बन जाएंगी? 13। नंबर ऑफ टीम्स और यू कैन राइट 13 टीम्स विल बी मेड। यू कैन राइट, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 13 टीम्स विल बी मेड, दिस इज द आंसर। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो सम्स करने हैं और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, मैथ्स नोटबुक। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज द चैप्टर, सेम चैप्टर एंड